बढ़िया बना। हाँ थैंक यू ब्रदर। ये तो मिला कभी आपको? आपको कभी ना भाई साहब। कभी नहीं मिला? कभी ना मिला। चलो कोई नहीं, ये लो आज आपको गिफ्ट देते हैं बढ़िया वाला। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। खुश हो? खुश है भाई साहब। ये इसने गिफ्ट दे दिया, देख रहे हो? फोन है कहीं गिरा दो। ये देखो देखे लोग, पता नहीं होता कि जेजे कमीशन वाले इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं। पे कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। जय चंद सभी को, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग भाई? आयो आप लोग अच्छे होंगे यार। भाई सुबह से भाई सही बता रहे हो भाई, आज का दिन तो बहुत बेकार गया यार। मतलब सुबह से भाई नॉन स्टॉप भाई बारिश हो जा रही, रुकने का नाम नहीं ले रही यार। अभी पहले जो ठंड का टेम्परेचर जो यहाँ था शायद 16 चल रहा था, अभी जो हमारा टेम्परेचर चल रहा है यहाँ का 11 डिग्री 5 डिग्री भाई, रात भर में गिर गया। अब तो भाई मैं सुबह से भाई फिर मैं सोचा कि व्लॉग कैसे बनाऊँ, फिर यार बाहर निकल गया। घर में तो भाई व्लॉग जानते हो भाई बहुत ही कम बन पाता है। आज हमारे भाई इस ब्लॉग में एक हमारे दोस्त हैं भाई जिगरी यार, तो भाई उनसे आपको मुलाकात करवाते हैं। उन राहुल भाई, अरे भाई बहुत दूर जाके खड़े हो गए यार। कैसे हो? क्या हाल चाल भाई? बस बढ़िया बढ़िया। तो भाई बताओ अपने बारे में। भाई भाई मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसके घर के पास ही रहता हूँ। अच्छा, मेरा बहुत ही प्रिय मित्र है ये। भाई दोनों का नाम भी भाई एक ही है, राहुल। राहुल भाई, और भाई ये कर रहे हैं क्या? प्रोफेशन कर रहे हो भाई? अभी मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। भाई कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा भाई? भाई तू यार, अरे यार तूने मेरा बात यार। अरे भाई कुछ नहीं यार। अरे नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं भाई, सही बता रहा हूँ। और बताओ, और भाई को भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि भाई ने यार नई गाड़ी ली है भाई, बुलेट। भाई पार्टी कब दे रहे हो भाई? पार्टी दी तो थी। पार्टी कहाँ दी यार भाई? ये बताओ पेटीज खिला के भाई पार्टी पूरी हो जाती है? वो भी 2 महीने पहले भाई। और भाई चलना, ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी वार्टी तो हम। और भाई आजकल एक चीज बहुत फैल रही है यार। क्या? वही वाला मामला यार। अरे भाई वो सुन के यार अच्छा नहीं लगता, फिर भी यार पता नहीं लोग यार कैसे कर देते हैं भाई। पता नहीं उनकी साला सारा क्या कहते हैं, मतलब इंसानियत कहाँ चली जाती है पूरा भाई। उस इंसान की इंसानियत भाई मतलब खत्म है यार। वैसे आपको वैसे भी पता होगी, जानकारी होगी आपको, इन लोगों पता है, इन लोगों पता होगी अभी। भाई जिसको पता है भाई वो कमेंट करके बताओ भाई किस चीज़ में हम लोग बातें कर रहे हैं। मतलब भाई कैसे बताऊँ तुम लोगों को भाई, मतलब एक इंसान फॉलोवर्स के लिए और बहुत सारी चीज़ें फेम पाने के लिए बहुत पता नहीं इतना गिर सकता है भाई, इतना मुझे पता नहीं था भाई। देखो भाई अगर फेम पाना है और तुम्हें अगर फॉलोवर्स इकट्ठे करने हैं तो राहुल भाई सही बताओ कैसे इकट्ठे कर सकते हैं भाई? जहाँ तक मुझे पता है भाई, अगर हम लोग अच्छे हैं, अगर हम रियल हैं, अगर हम लोग अंदर से अच्छे हैं तो ऑटोमेटिक लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। सही बात है, नहीं बता सही बात है राहुल। और भाई उस इंसान ने तो बहुत बेकार करा भाई यार, इन लोग बता देगा वाली बात तो ओपन करनी चाहिए। अब उसने साले इंस्टाग्राम पे आके एक स्टोरी और डाली जिसमें सब उसने जो भी चीज़ वो गलत कर रहा था उसने हर एक चीज़ छुपा दी यार, हर एक चीज़ छुपा दी। सिंपैथी गेन कर रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है यार। ये चीज़ अच्छी है ऐसे तो भाई कोई, सही बता रहा हूँ, अगर इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो आगे चल के भाई कोई भी इंसान ऐसे कर सकता है। तो भाई उससे पहले भाई बहुत दिन बाद राहुल भाई से दर्शन हुए भाई, मतलब भगवान बन गए हो तो यार। अरे यार चलो भाई थोड़ा सा मतलब पेट पूजा कर लेते हैं, तो वहीं पर आपसे ये वाली बात ओपन करते हैं। यश यार मिलते हैं तो थोड़ी देर बाद। राहुल आज तो यार ठंड बहुत है यार, है ना? है ना भाई? जय श्री राम भाई, मजा आ रहा है। ओबे भाई बार बार बच गए यार। अरे भाई यार आज लगा था भाई ठंड में और हड्डी वड्डी फूक गया, सही बता रहा हूँ। भाई क्या क्या खिला रहे हो भाई? बर्गर खिला रहे हो क्या? खिला रहे हो? अरे यार जो तुम बोलो यार, उसकी पार्टी जो बुलेट की पार्टी ले लो यार। क्या बोल लो कि कैमरा बंद करो? नहीं
बुलेट की पार्टी ले लो, तुम बर्गर खा लो, पिज्जा खा लो। भाई बुलेट कितने रुपए की आई थी यार? बुलेट आई थी ये कोई तुम्हारी सेकंड हैंड बुलेट ली है गाइस, सेकंड हैंड जो शोरूम से भाई निकलती है वो सेकंड हैंड होती है भाई। बड़े लोग के भाई यही शौक होते हैं, यहाँ शोरूम वाली बाइक को सेकंड हैंड बोल रहे हैं। भाई आ गए हम लोग बर्गर खाने के लिए यार। टूरला के भाई फेमस शॉप है यार। अरे भाई कहाँ गए यार? भाई बर्गर आ चुका है यार। ये हमारे राहुल भाई, भाई पार्टी है बुलेट की। किस चीज की पार्टी भाई? बुलेट की पार्टी है भाई। भाई तो छोटी पार्टी नहीं चलेगी भाई, भाई। तुम तो भाई भाई ये देख रहे हो 50 रुपए में भाई निपटारा कर रहा है। राहुल भाई क्या चल रहा है भाई? भाई ये एकदम, अरे भाई थोड़ा सीक्रेट है यार, अभी छोटी पार्टी दे रहा है, फिर बाद में सरप्राइज कर देगा राहुल भाई बड़ी पार्टी। हो गया भाई खा लो यार। भाई ये क्या तरीका खिलाने का? भाई खा लो यार, भाई तुम्हारे लिए यार, भाई जल्दी खाओ यार। बढ़िया बना। हाँ थैंक यू ब्रदर। गिफ्ट मिला कभी आपको? आपको कभी ना भाई साहब, कभी नहीं मिला? कभी ना मिला। चलो कोई नहीं, ये लो आज आपको गिफ्ट देते हैं बढ़िया वाला। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। खुश हो? खुश है भाई साहब। यार इसने गिफ्ट दे दिया, देख रहे हो? पौधा कहीं गिरा दो, ये देखो देखो। ठीक है ठीक है ना, चला जाएंगे भाई साहब। आपसे ले लिया भाई, जैसे कम्युनिकेशन तो ऐसे नहीं करता है, जो कहता है वो करते हैं। ऐसे मैं तो बहुत सारे भाई को देखो आईफोन वो गिफ्ट कर देते हैं। ऐसे किया दिया फिर ले लिया आपसे। आपने बोला नहीं कि भैया आप क्यों ले लिए? हमने बोले नहीं कि कुछ। भाई माफ करना, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जेजे कम्युनिकेशन वाले भैया के तरफ से। भाई आप देख रहे हो, उसने ठेले वाले को अपना कंटेंट निकालने के लिए, सिर्फ इंस्टाग्राम में उसने कंटेंट निकालने के लिए उसने अपने ठेले वाले को आईफोन दिया, वीडियो बनाए, फिर जाके उसके आईफोन वापस ले लिया। क्या ये सही है भाई? जेजे कम्युनिकेशन वाले से भाई मतलब भाई कोई इंसान इतना नीचे ना जैसा कि कंटेंट बनाने के लिए और किसी को मोबाइल दे रहे हो, उसकी फीलिंग से खेल रहे हो। देखो अगर ये चीज़ पता नहीं चलती, सही बताओ ना, अगर ये चीज़ पता नहीं चलती तो किसी को पता नहीं होता कि जेजे कम्युनिकेशन वाले इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं। तो भाई क्या होता है, और आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, इसके बाद इन्होंने आज से जब भी 4-5 दिन बाद ये बात थोड़ा सा ऊपर आई है ना, सबको लोगों को पता चले कि ये ऐसा कर रहे हैं, जेजे कम्युनिकेशन वाले स्कैम कर रहे हैं, तो उसने एक और वीडियो बनाई आपको, वो आपको मैं वो भी दिखा बोल दिया। जेजे कम्युनिकेशन वालों का इंस्टाग्राम हैंडल, ये इस पर क्लिक करा, ये रहा वो वीडियो, नेक्स्ट वाला वीडियो है ये। आपको एक बात, तो इतने बंदे आपके वीडियो बनाने हैं, किसी ने आपका भला करा? ना आपने दिया, हम क्यों है? बड़ा किया आपने, मैंने आपके घर की जिम्मेदारी नहीं उठी। हाँ जी है, सबने स्वाद नहीं लिया आपके, सब अपने व्यूज लेने आ गए। आपने मेरे को कॉल करी, मैं मनाली था, आपने कॉल करी, आपने मेरे को क्या बोला कि भैया लोग धमकी दे रहे हैं, घर पे आ गए, पड़ोसी को बुला लिए, घर पे आए, बोला ना ये बात। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, जब मैं आपका वीडियो बनाने आया, क्या आप मेरे को जानते थे? तो मैं तो भलाई कर गया यार किसी इंसान का, मैं फ्रॉड क्या कर गया? दो पैसे देखे गए आपको, 11,000 रुपए कम होता है? हाँ दिया। मैंने आपकी जिम्मेदारी नहीं उठी घर की। हाँ। मैंने इनको बोला आपके घर में राशन पानी, किसी चीज की दिक्कत परेशानी मैं दूंगा, बोली नहीं बोली? भाई तो भैया घर पर तक मेरे पहुंच गया, मैं क्या करूं? और 18 साल हमको यहीं पर रहते हो गया, पूरा रिसाला जान रहा है। गाइस अब ये बताओ कि चलो ठीक है भाई, जो मनीष भाई तुमने उसको आईफोन गिफ्ट करा, फिर तुमने वीडियो बन के तुमने उससे ले लिया वापस, चलो ठीक है, तुमने अपना कंटेंट निकाल लिया, ठीक है, बदल क्यों दी तुमने? तुम ये बताओ भाई, अगर तुमने चलो ठीक, तुमने जो तुमने उसको गिफ्ट करा, जो चीज तुमने उसको दी, तुम उस चीज का तुम कंटेंट बनाओ ना। तुमने उस वीडियो में तुम क्या दिखा रहे हो कि मैंने इसको आईफोन 15 प्रो मैक्स जो भी प्रो है जो मैंने इसको गिफ्ट करा, और तुमने उसके बाद अपनी उसको यानी कि जो वीडियो है तुमने वो भी काट दी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से। भाई जो तुम दिखाना चाह रहे हो
तुम जितनी अपनी जनता को, तुम जो ऑडियंस है तुम उसको बेवकूफ बना लो भाई। जिसके पास दिमाग है भाई, सही बता रहा हूँ, जे कमीशन वाले बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है भाई। भाई तुम किसी को आईफोन दे रहे हो, तुम क्या क्या कर रहे हो? तुम उनके साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हो, तुम फ्रॉड कर रहे हो जो लोग तुम्हें देख रहे हैं, जो लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। लोग तुम्हें इसलिए फॉलो नहीं कर रहे कि तुम इतना अच्छा भला काम कर रहे हो, तुम्हें लोग तुम्हें इसलिए फॉलो कर रहे हैं उनको भी आईफोन या फिर कोई हेडफोन कुछ भी उसको तुम गिफ्ट दो। तो जे कम्युनिकेशन वाले भैया मनीष भाई, ये चीज़ रॉन्ग है, ठीक है ना? ये चीज़ भाई तुम करना बंद करो, अच्छा काम करो भाई, उससे भी भाई व्यूज़ आते हैं, कंटेंट मिलता है। हरे अगर अच्छा काम करोगे कंटेंट भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। तो भाई ये चीज़ करना बंद कर दो भाई। और तुमने भाई खुद का बोला 11,000 रुपये दिए, और पहली बार तुमने पहले 500 बोला था कि मैंने उसको 500 रुपये दिए, और अब तुम 11,000 बोल लो। तुमने खुद ही अपनी बात चेंज कर दी, तुम खुद ही एक बात पर तुम टिके नहीं, तो हम लोग कैसे अब तुम्हें बात पर विश्वास कर ले? सही बात है कि नहीं? बताओ भाई, जो जो इसके सपोर्ट, मेरी बात के सपोर्ट में भाई, नीचे कमेंट करो और जाके बोलो कि भाई इस पर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए भाई। इस पर भाई बहुत सारे लोग, हमें 15.5 मिलियन लोग इसको फॉलो करे हुए हैं, और गारंटी बता रहा हूँ भाई, कोई इंसान इसको इंस्पिरेशन के तौर पर फॉलो नहीं कर रहा है, इसको लोग फॉलो कर रहे हैं कि ताकि मुझे इससे कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल पाए। और भाई इसने गिफ्ट के तौर पर, गिफ्ट के लालच में ही इसने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए हैं भाई। ये चीज़ तो भाई बहुत ही अनफेयर चीज़ है, ये चीज़ भाई बहुत ही गलत है, तुम लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल लो। तो भाई जो भी ये स्कैम है भाई, इसको बंद करो भाई मनीष भाई, क्योंकि लोगों को अगर एक बार भरोसा कमाने में टाइम लगता है, बट भरोसा गंवाने में भाई बहुत कम टाइम लगता है, 1 सेकंड 2 सेकंड में ही वो भरोसा टूट सकता है। आज ये शायद ये वीडियो वायरल नहीं हुई होती तो हमको किसी को ये नहीं पता चलता कि तुम क्या कर रहे हो। आज ये वायरल हुई जब भी पता चला कि तुम क्या कर रहे हो, क्या पता तुम इसमें, चलो ठीक है, तुमने इस वीडियो में, अपनी वीडियो में आके तुमने ये बोला मैंने इसे 11,000 रुपये दिए, क्या पता तुम और लोगों को से भी तुमने मोबाइल ऐसे दिखाए हो, आईफोन 14 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स, और तुमने शायद 5,000 रुपये दे के तुमने वापस ले लियो भाई, हो सकता है ना भाई। तो भाई जे कमीशन वाले भाई, ये चीज़ आप बंद करो, ठीक है ना? ये बहुत ही गलत चीज़ है। तुम किसी का 1 रुपये खा लोगे आज के समय में, वो तुम्हें जब तो अच्छा लगेगा कि मैंने 1 रुपये खा लिए भाई, कितना मस्त लग रहा है, बट वो 4 दिन बाद जब पेट दर्द करेगा, तबीयत खराब होगी ना, तो वो पैसा भी कहीं ना कहीं से निकलता है। तो किसी का 1 रुपये भी भाई पछता नहीं है, जब तो लगता है भाई पच जाएगा, बट पछता नहीं भाई। मेहनत की कमाई, मेहनत का फल ही आराम से भाई हमको, इंसान को, मनुष्य को, हमको अच्छा लगता है। तो भाई मेहनत करते जाओ, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। शॉर्टकट जाओगे तो शॉर्टकट तरीके से मिलता भी है, शॉर्टकट तरीके से निकलता भी है, ऐसा भी होता है, ठीक है ना भाई। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और मम्मी तो आज भाई सो गई है, तो मम्मी के भाई आप लोगों से, मम्मी को तो भाई मिला नहीं पाऊँगा, तो भाई मम्मी से आपको मैं कल मिलाऊँगा भाई। जो जो मेरे सपोर्ट में है, इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करो, बहुत सारे लोगों तक पहुँचाओ इस जे कम्युनिकेशन वालों का सच। और भाई इस वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।